हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सबको, राम राम, नमस्ते। तो आप सब लोग कैसे हो? तो अभी सुबह के बजे हैं 7 और हम आ गए हैं मिल्किंग करने के लिए। तो आज आप लोगों को जो सुबह का रूटीन दिखाएंगे कि सुबह सुबह हम क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे लगातार बने रहिए। तो सबसे पहले तो हम करने वाले मिल्किंग, उसके बाद है जो क्लीनिंग करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे। आपको डाल दिया हरा चारा हमने, तो जैसे दूध निकालेंगे फिर वहाँ पे है जो उस साइड है जो सफाई करेंगे, एक एक कितना कचरा है। तो यहाँ पे बकरी, जहाँ पे हम बकरी बांधते हैं उस साइड है जो पूरे एरिया के जो सफाई कर देंगे। तो किस तरीके से करते हैं सुबह सुबह और क्या क्या करते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स। दूध निकाल लिया है, अभी दूध को रख के आते हैं हम किचन में और फिर वापस आके आप लोगों से बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मिल्किंग तो हमने कर ली है और अभी हम जाएंगे जहाँ पे हमारी बकरी बंधी है उस साइड हम जाने वाले हैं और वहाँ पे हम करने वाले हैं क्लीनिंग। तो बहुत दिनों से आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए कि किस तरीके से हम क्लीन करते हैं जो गाय बकरी बांधते उस जगह को। तो चलो आपको लेके चलते हैं वहीं पर और दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा है जो यहाँ पे कचरा हो चुका है। अभी है जो बारिश हुई है जिस कारण से सही से जो यहाँ पे सफाई नहीं हो पाती है और जो घास डालते हैं वो भी है जो बारिश के कारण सही से नहीं खा रही है बकरी। तो ये रही सोन की, वो रही मोन की। तो चलो जल्दी से यहाँ पे करते हैं क्लीनिंग। तो जितना भी मोटा मोटा कचरा है उसको हटाएंगे और फिर जो बारिश से निकालेंगे सही से। इकट्ठा तो कर लिया है, अभी इसमें डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काम तो हमारा हो चुका है, अभी हम करते हैं कुछ और काम। तो इसको हम बाहर की साइड फेंक के आ जाएंगे। ये देखो सोन की, मोन की। तो ये जगह देखिए कितनी अच्छी हो चुकी है, अभी बिल्कुल भी कचरा नहीं है यहाँ पे। तो इनकी साफ़ सफाई का भी हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स। ये कचरा तो इसलिए डाला हुआ है कि यहाँ पे जब बारिश होती है
तो बिल्कुल गड्ढा ना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कचरा डाल देते हैं थोड़ा सा, जो घास बचता है वो। तो अभी मैं यहाँ पे भी एज ओ क्लीनिंग करूँगी, तो जैसे बाहर की साइड की थी फ्रेंड्स उसी तरीके से करने वाले हैं। तो चलो मैं जल्दी से यहाँ से क्लीनिंग कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो अभी हम करते हैं सुबह सुबह नाश्ता। नाश्ते में हम क्या खाते हैं आपको दिखाते हैं। तो ये रात को हमने मिर्च बनाई थी, तो इसको पानी में रखा हुआ फ्रेंड्स ताकि ये ख़राब ना हो। चलो थोड़ी सी मिर्च लेते हैं। इसमें लेते हैं छाछ। तो छाछ अभी अभी ताज़ा बनी है। इसको भी थोड़ा सा रख लेते हैं साइड में। ये थोड़ी मिर्च ले ली हमने, रखते हैं इसको भी बंद करके और फिर बाहर जाके हम खाने वाले हैं खाना। तो ये रहा हमारा नाश्ता सुबह सुबह। नाश्ते में हम क्या खा रहे हैं, छाछ, हरी मिर्च और रोटी। तो ये सभी है जो सुबह सुबह नाश्ते में हम फ्रेंड्स खा रहे हैं। तो चलो जिसको भी नाश्ता करना है जल्दी से आ जाइए। फ्रेंड्स कुछ देर पहले हमने खाई थी मतीरी, नहीं जानते उनको हम बता दें, आप तरबूज भी बोल सकते हो, हम ज़्यादातर मतीरी बोलते हैं इस सीज़न में जो लगती है हमारे यहाँ। तो जैसे ही हमने खाया उसको देखा तो ये कच्ची निकल गई, तो इसको थोड़ा सा तो जो जितना अच्छा लगा उतना तो इसको खा लिया, बाकी का जो हमारी बकरियाँ हैं उनको खिला देंगे। तो इसको फेंकने से अच्छा है पशुओं को एजो खिला दिया जाए ताकि उनका भी एजो पेट भर जाए फ्रेंड्स। तो गाय तो ज़्यादा खाती नहीं है तो बकरियों को ही खिलाएंगे अभी। तो देखिए छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिए है क्योंकि ज़्यादा बड़े है जो वो खा नहीं सकती और गाय है जो उसका मन नहीं है ये सब खाने का, तो बकरियों को खिलाएंगे तो छोटे छोटे कर लिए और अभी उनको है जो खिलाने के लिए चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पास से दिखाएं तो देखिए इतने छोटे छोटे किए हैं टुकड़े ताकि वो अच्छे से खा पाए। और अभी ले कर चलते हैं उस साइड, तो उस साइड है जो बकरियाँ बंधी हुई है तो वहीं पर ले कर जाएंगे। गाय तो क्या है कि मतीरी इन सब के जो छिलके हैं वह बहुत ही कम खाती है लेकिन बकरियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है जो ककड़ी के इन सब के छिलके खा लेती है आराम से।
फ्रेंड्स, आज का वीडियो है जो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो आए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।